हेलो फ्रेंड्स, सो कॉम्बैट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स क्वेश्चन नंबर 9। सो इस क्वेश्चन में स्मॉल एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ एफ और कैपिटल एक्स ऑफ एफ का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पूछा है स्मॉल एक्स ऑफ जीरो पे। सो एक्स ऑफ एफ भी जो आपके ट्रांसफॉर्म दिया है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है। तो पहले देखते हैं कि स्मॉल एक्स ऑफ जीरो का रिलेशन कैपिटल एक्स ऑफ एफ से कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ ई टू दी पावर ऑफ जे टू पाई एफ टी डी एफ। ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे अगर आप टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो ये आपका हो गया एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो। इसी को क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल एक्स ऑफ जीरो, तो यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे टी को जीरो पुट करोगे तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ डी एफ में। इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एफ डी एफ में कन्वर्ट होगा क्योंकि टी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो अगर आप एक्स ऑफ एफ को इंटीग्रेट, मतलब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ एक्स ऑफ एफ, अगर आप एक्स ऑफ एफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। अब हमारा टारगेट है इसका एरिया कैलकुलेट करना। अब एरिया के लिए आपको पहले इसका ग्राफ पता होना चाहिए, तो ग्राफ इसकी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो ये इक्वेशन देख के आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगुलर से रिलेटेड है। अब ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। स्टैंडर्ड जो ट्रायंगुलर इक्वेशन है, ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ, ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ का इक्वेशन होता है कैपिटल ए वन माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टाउ फॉर मॉड ऑफ टी लेस देन टाउ एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन टाउ। तो ये आपका ट्रायंगुलर का इक्वेशन है। और यहाँ पे जो आपको एक्स ऑफ एफ दिया है उसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आपको एक्स ऑफ एफ दिया है, दिस इज वन माइनस मॉड ऑफ एफ, दिस इज वन माइनस मॉड ऑफ एफ अपॉन बी, सो मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू बी। सो ये आपका इट इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज योर अदरवाइज। सो ये देखिए आपका जो इक्वेशन है वो आपका एकदम ट्रायंगुलर के वेवफॉर्म से ही मैच कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू बी है और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ए की वैल्यू आपकी वन है। तो ये एक आपका ऐसा ट्रायंगल है जिसका पीक मैग्नीट्यूड वन है और जिसकी हाफ विथ बी है, हाफ विथ बी है। तो यहाँ पे इसका पहले वेवफॉर्म बना लेते हैं। सो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी पीक वैल्यू वन है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू वन और हाफ विथ बी है, मतलब ये आपका माइनस बी से लेके प्लस बी तक एक्सटेंड करेगा क्योंकि इसका जो वेवफॉर्म होता है ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ, ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ का जो वेवफॉर्म होता है ये पीक मैग्नीट्यूड ए होता है और इसकी हाफ फिट टाउ होती है, मतलब ये माइनस टाउ से लेके टाउ तक एग्जिस्ट करता है। तो हाफ फिट टाउ और पीक मैग्नीट्यूड ए, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। अब यहाँ पे आपका एक्स ऑफ एफ का ग्राफ मिल गया। ये आपका ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपका एक्स ऑफ एफ का है। तो क्वेश्चन में हमने जस्ट देखा था यहाँ पे देखिए कि स्मॉल एक्स ऑफ जीरो क्या है, एरिया ऑफ एक्स ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ एफ। अब ये जो इसका है ट्रायंगल है, इसका आप अगर यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे सो एरिया विल बी इक्वल टू वन बाई टू इंटू टू बी, टू बी डिस्टेंस, ये जो ड्यूरेशन है टू बी इंटू पीक मैग्नीट्यूड इज वन। सो यहाँ से टू कैंसिल होगा, एरिया कितना आ गया, एरिया आपका बी आ गया। सो यहाँ देखिए ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ एफ डी एफ, एरिया ऑफ एक्स ऑफ एफ, ये आपका कितना आ गया, ये आपका कैपिटल बी आ गया। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, दैट इज बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एफ डी एफ जो है वो आपका स्मॉल एक्स ऑफ जीरो के इक्वल होता है। ओके, थैंक यू।